नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की सियासत से। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से हर तरफ राजनीति गरमाई हुई है। वहीं इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने वाराणसी में सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया की जान को जेल में अरविंद केजरीवाल से खतरा है, वो उनकी हत्या करवाना चाहते हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे राज हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से लगातार बीजेपी और आप में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब 8 मार्च को भी देखा था कि किस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार ये आरोप लगाए थे कि बीजेपी जो है मनीष सिसोदिया को ऐसे जेल में रखी है कि जहां पे खूंखार अपराधी है, ऐसे में मनीष सिसोदिया की जान को खतरा है। अब इसी में मनोज तिवारी ने उस वक्त भी प्रतिक्रिया दी थी, आरोप का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की सारी जो भी पोल पट्टी है वो मनीष सिसोदिया ना खोल दे, इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल लगातार मनीष सिसोदिया को ऐसे जेल में रख रहे हैं क्योंकि तिहाड़ जेल जो है दिल्ली सरकार के अंडर आता है। केजरीवाल की जेल में मनीष सिसोदिया की जान के खतरा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये माहौल बना के मनीष सिसोदिया को खुद मरवाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो उनके राज जानते हैं। अब ये बात मैं जब से बोला हूं, आज दिन भर यही चल रहा था, तब से एक अलग वंडर मचा हुआ है। लेकिन सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा सत्येंद्र जैन जेल में थे, अभी हैं, तो सत्येंद्र जैन के जेल के कमरे में दिन भर में 14-15 लोग आते थे और वही सत्येंद्र जैन जो कोर्ट में बोले थे कि हमारा याददाश्त चला गया है, वो डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहे हैं और खूंखार अपराधी उनकी मालिश कर रहे हैं, मसाज करा रहे हैं। मतलब ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि जेल उनकी है। तो हम लोगों ने उसकी आवाज उठाई कि भाई आप जेल का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं और उसी जेल में मनीष सिसोदिया को खतरा कैसे हो सकता है? इट मीन्स कि देयर इज समथिंग बिग, कुछ न कुछ ऐसी साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें हमने आज बोला है कि मनीष सिसोदिया को और सुरक्षा दिया जाए वरना अरविंद केजरीवाल उनको रास्ते से हटाने के लिए, राज न निकले इसके लिए कुछ भी कर सकते। तो इसमें हमारा 9 बीता। अब शाम को बनारस आया हूँ, अपने भांजे का एक सगाई थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक में शुक्रवार को प्रदेश के लिए खेल नीति को मंजूरी दे दी गई है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री ने बताया कि 4 निजी विश्वविद्यालय को आशय पत्र जारी करने के लिए मंजूरी दी गई है। इसमें टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ भी शामिल है। बैठक में स्क्रैप वाहन को निष्प्रयोग और करने पर भी देने जाने वाली छूट को मंजूरी दी गई है। साथ अयोध्या में किलोमीटर मार्ग के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण की मंजूरी मिली है जिसमें 65 करोड़ रुपए खर्च आएगा। और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा शुक्रवार को करीब 11 बजे पंजाब का बजट पेश किया। आगामी उपचुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये बजट पेश किया। इस बजट में मान सरकार ने कई खास तोहफे दिए हैं। 1.96 लाख करोड़ का ये बजट जो है पंजाब सरकार ने पेश किया है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी के लिए 11% बजट बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही 300 यूनिट फ्री बिजली का भी ऐलान किया गया है। तो पंजाब में 1.96 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है जिसमें स्वास्थ्य बजट में 11% की बढ़ोतरी की गई है। रोजगार सृजन के लिए 231 करोड़ दिए गए हैं। तो शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा बजट में 12% का इजाफा हुआ है।
कौन सी बड़ी बातें हैं पंजाब बजट में वो आपको बता रहे हैं। 1.96 लाख करोड़ का ये बजट पूरा है जो पंजाब सरकार ने पेश किया है। 300 यूनिट बिजली देने का वादा ही किया है। होशियारपुर कपूरथला में 2 मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया गया है। तो वहीं मोहाली में लेवर इंस्टीट्यूट के लिए 25 करोड़ रुपए तय की गई है। बरनाला में नया नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। मेडिकल शिक्षा के लिए 1000 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया है। तो वहीं ओबीसी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 18 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उर्दू अकादमी मलेटर कोटला के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। तो एससी विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 60 करोड़, स्टूडेंट को मिड डे मील के लिए 456 करोड़ दिया गया है। तो वही मुफ्त किताबें मरम्मत आदि के लिए 90 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी के साथ स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए 17,072 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। स्कूल ऑफ एनिमेशन के लिए 200 करोड़ रुपए की संभाल के लिए 99 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा बजट 12% तक बढ़ाया गया है। गन्ना उत्पादकों के लिए गन्ने की कीमत 380 रुपए निर्धारित की गई है। 2574 किसानों की भर्ती की जाएगी। इसी के साथ जानकारी दे दें कि इस बजट में किसानों के लिए मुफ्त बिजली रहेगी और बिजली सब्सिडी के लिए 9,331 करोड़, पराली जलाने की घटनाओं में 30% की कमी आएगी। आगे बात की जाए तो कृषि और किसान भलाई के लिए 13,878 करोड़ रुपए की दी गई है, जिसमें 20% की वृद्धि की गई है। इस बार 1,06,000 करोड़ का जो है ये बजट पेश किया गया है। पंजाब की मान सरकार ने ये बजट पेश किया गया है। इसमें 26,000 से ज्यादा नौकरियां जो है वो दी जाएंगी। इसी के साथ जानकारी दे दें कि ये स्कूल ऑफ एनिमेशन शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब में 90% बिजली बिल जीरो आ रही है। 9 महीने में 10 लाख लोगों को मोहल्ला क्लिनिक में इजाफा हुआ है और अक्टूबर 2022 में 6% डीए की किश्त जारी की गई है। स्वास्थ्य बजट में 11% की बढ़ोतरी की गई है। रोजगार सृजन के लिए 231 करोड़ दिए गए हैं। और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चिम्मा ने शुक्रवार को पंजाब का बजट पेश किया। बजट पेश करने के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। 2023-24 1,96,462 करोड़ रुपए के कुल बजट खर्च की तजवीज रखता हां। जो के सर नोट करने वाले जो के वित्तीय साल 2022-23 के मुकाबले 26% का बड़ा वाधा सर। 1,96,462 करोड़ रुपए और 26% का पिछले साल ना वाधा गा। और बहुत मैं समझना मैं इस सदन के अंदर दिखा रहा गा दस रहा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिट और फिजिकल डेफिशिट जोड़ा है सर वो क्रमवार 3.32-4.98% अनुमानित किया गया सर। सर मैं 1,23,441 करोड़ रुपए 1,23,441 करोड़ रुपए के राज के माली खर्चे का अनुमान पेश करता सर, जो कि वित्तीय साल 2022-23 के मुकाबले 14% का वाधा सर। इस सारी पॉलिसी के अंदर फ्यूल वजो झोने की पराली की वरतों उत्साहित किया गया ताकि जी ए भी सानू काफी मदद मिलेगी सर। इस अलावा स्पीकर साहब वित्तीय प्रोत्साहन साड़ी सरकार उद्योगों सहयोग जारी रखेगी, जिन्हों वित्तीय साल 2023-24 3,752 करोड़ रुपए का बंद करने की तजवीज है सर। 3,752 करोड़ रुपए उद्योगों सहयोग देने दे सर बंद किया गया, जो कि वित्तीय साल 2022-23 के मुकाबले सर 19% का वड्डा वाधा है सर। मैं वित्तीय साल 2023-24
उद्योगिक इकाइयां नूं कैपिटल सबसिडी वजो 75 करोड़ रुपए ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 895 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰ 895 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 100% ਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ 26 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰ SGST ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ 7 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਡਗਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਸਰ। ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰ ਮੈਂ ਰਾਹਤ ਸਵਰਗੀ ਰਾਹਤ ਇੰਦੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਮਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਕਈ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰਾਹ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਜਾਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DCCB ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लैंड फॉर जॉब स्कीम केस में प्रवर्तन निदेशालय ने अब बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली और पटना में 15 जगहों पर छापेमारी की गई। जानकारी है कि ईडी की टीम ने दिल्ली में लालू प्रसाद यादव की बेटियों के घर पर भी रेड मारी है। इसी के साथ पटना में RGD के पूर्व विधायक के अबू दुजाना के घर पर भी रेड हुई है और वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची है और छापेमारी अभी भी जारी है। पूर्व MLA अबू दुजाना पेशे से बिल्डर है। बता दें कि जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी दो दिन पहले ही CBI की टीम ने उनसे दिल्ली आवास में उनसे पूछताछ की थी। उससे पहले राबड़ी देवी से भी उन्होंने पूछताछ की थी। जानकारी दे रही कि दिल्ली में लालू प्रसाद यादव की तीनों बेटियां रहती हैं, हेमा, रागनी और चंदा, जिनके घर पे अभी भी रेड जारी है। और उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे IT चौराहा स्थित मत्स्य निदेशालय का औचक निरीक्षण किया। मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के औचक निरीक्षण से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि वहीं औचक निरीक्षण के दौरान मत्स्य निदेशालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले। दरअसल 9:30 बजे तक कोई भी अधिकारी कार्यालय नहीं पहुंचा था, जिसको लेकर मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय शाद ने नाराजगी जाहिर की है। और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच उठापटक शुरू हो गई है। गुरुवार को सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर बता दें कि इस्तीफा देने के बाद परिषद के सदस्य ने जो है ये इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। उन्हें AICC महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शपथ दिलाया। इसी के साथ तमाम कांग्रेस के नेता भी वहां पर मौजूद रहे। बता दें कि एक दिन पहले भी पुतना ने MLC और भाजपा की प्राथमिकता सदस्य से व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था।
और महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी पेशी के दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि शराब नीति में अगली गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की होगी। सुकेश ने कहा कि केजरीवाल वजीर है, इस मामले में सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक एक करके सबका पर्दाफाश करूंगा। शराब नीति मामले में अभी और गिरफ्तारियां होंगी। महाठग सुकेश का जो है केजरीवाल पर अटैक है, आपको बता दें इस मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अगली खबर अमरोहा से है, जहां शहर में भूमाफिया के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। धड़ल्ले से की जा रही है अवैध प्लॉटिंग, सरकार के राजस्व को लेकर जो है आपको बता दें लगाया जा रहा है राजस्व पर चूना, बिना लेआउट पास कराई जा रही है अवैध प्लॉटिंग। सदर तहसील प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ आपको जानकारी दे रहे हैं कि धड़ल्ले से ये किया जा रहा है, योगी सरकार को खुली चेतावनी दे रहे हैं भूमाफिया। दाऊद सराय रोड के सेंट मैरी स्कूल के पीछे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अलीगढ़ के राजमऊ में किसान की हत्या कर पांच पशुओं की चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल पशुओं की रखवाली करने वाले किसान की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। सो रहे किसान के हाथ पर बांधकर उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद पांच पशुओं की चोरी कर ली गई। घटना की सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम के साथ एसपी सिटी पुलिस बल के साथ पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीतापुर बीजेपी एमएलए ज्ञान तिवारी का अपराधियों को लेकर कड़क तेवर देखने को मिला। आपको जानकारी दे दें कि प्रधान सहित साथी पर छेड़खानी के आरोप के बाद बीजेपी एमएलए ने कोतवाल को कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं और अपराधियों पे जो है कड़ा रुख अपनाया है। तो आपको बता रहे हैं कि अपराधियों पर बीजेपी एमएलए सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधान के ऊपर ये पूरी कार्रवाई करने की उन्होंने आदेश दिए हैं कोतवाल को। तो छेड़खानी का ये पूरा मामला है जिसको लेकर बीजेपी एमएलए का कड़ा रुख देखने को मिला है। उन्होंने अपराधियों पे जो है कार्रवाई के आदेश दिए हैं कोतवाल को। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद जमीनी विवाद मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन होली को लेकर आज कोर्ट में छुट्टियां होने के चलते सुनवाई की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब अगली सुनवाई 15 मार्च की कर दी गई है। और जम्मू में हत्या का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला डॉक्टर को उसके बॉयफ्रेंड ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद आत्महत्या करने का भी प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही केस दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक महिला डॉक्टर की पहचान डॉक्टर सुमेधा शर्मा के नाम से हुई है, जबकि आरोपी की पहचान डोडा जिले के भद्रवाह निवासी जौहर गनई पुत्र महमूद गनई के रूप में हुई है। इस घटना का पता तब चला जब आरोपी के एक रिश्तेदार ने पुलिस को सूचित किया।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।